चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी अब तक पहुंचा दें कि सीएम मनोहर लाल ने पहलावर की जमीन को लेकर भी बयान दिया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि विवाद जो है वो पुराना है। इस दौरान मंच से सीएम मनोहर लाल कई मुद्दों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए और लगातार आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की हैं और पहलावर जमीन मुद्दे को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि 2019 में गौड़ ब्राह्मण कॉलेज में पता चला था, सीएम ने कहा कि 51 लाख रुपए तब देकर आया था और कहा कि आज तक 51 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाए हैं। सीएम की ओर से यह बयान दिया गया है और सीएम ने कहा कि पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी और एमडीयू में आचार्य चाणक्य के नाम पर चेयर स्थापित होगी। एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुरोहित, पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं ताकि इन सबको उचित मानधन मिले और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशल कुशलता के नाते जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है।